कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाली इंग्लिश के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एडवांस इंग्लिश बाय राजेश्वर शर्मा। फ्रेंड्स, ये हमारा जो वीडियो है ये टॉपिक 3 के लिए है। दिस टॉपिक 3 इज फॉर जीके सीरीज सीजीएल 2018 और टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। हम इस जो टॉपिक है इसके अंदर अराउंड 70 क्वेश्चंस कवर करेंगे सिर्फ ह्यूमन ब्लड के ऊपर। आपको गारंटी देता हूं कि इससे जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू चैनल डू इट राइट नाउ बिकॉज स्टडीज हैव स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट। आइए दोस्तों, फटाफट से हम इसको देखते हैं। देखिए, मैंने ऐसे बनाया है, आप भी इसको ऐसे ही बनाइए एरो बेस्ड, ताकि थोड़ा सा हालांकि थोड़ा ये कंजेस्टेड हो जाएगा बट आपको फिर भी अच्छा लगेगा। देखिए, ब्लड है, मैंने हर जो हमारा क्वेश्चन बनता है उसके नंबरिंग कर दी। देखिए, जो ब्लड है, जो उसकी वॉल्यूम है, वो बॉडी में कितनी है? 5 से 6 लीटर। सीजीएल 2017 में ये सवाल आया था, ठीक है। इसका वेट परसेंटेज कितना है बॉडी के वेट के हिसाब से? 7 to 8%। हालांकि जो ये वाला आंकड़ा है ये आपको कई बुक्स में अलग मिलेगा, जहां से मैंने पढ़ा मुझे 7 to 8% मिला, ठीक है। तीसरा देखिए, जो ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये एक जैसे हमारी बोन होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है बट वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, ब्लड का पीएच कितना होता है, ये आईएएस में पूछा हुआ सवाल है। 7.4 जो है हमारा ब्लड का पीएच होता है, मतलब ये हल्का सा बेसिक होता है। और ये भी पूछा गया है कि ये क्या है, ये वीक अल्कलाइन है, ठीक है, क्योंकि ये हल्का सा बेसिक है, ठीक है। अब छठा सवाल, हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है रक्त का स्राव होना, खून बहना, ठीक है। अगर खून आपकी नाक से बहता है, जिसे हम हिंदी में नक्सीर कहते हैं, उसको बोलते हैं एपिस्टैटिस, ठीक है। ये वन वर्ड भी हो गया और आपको ये सवाल भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्प्यूटम से आपके खून निकलता है, मतलब बलगम में जाके खून निकलता है, खांसी में आता है, तो इसको बोलते हैं हीमियोपाइसिस, ओके, ठीक है। अब देखते हैं नौवां सवाल, अगर वॉमिटिंग, अगर उल्टी में खून निकलता है तो उसे कहते हैं हिमाटोमेसिस, HAEMATEMESIS, ठीक है। 10th नंबर का देखते हैं, अगर आपके यूरिन में से अगर आपको पेशाब करने टाइम खून निकलता है तो इसे बोलते हैं हिमाटोयूरिया, HAEMATURIA, ठीक है। 10 सवाल हमारे ये हुए। अब देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमारा 11 सवाल आता है कि कितने कंपोजिशन है, तो 2 कंपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद एक तो है प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्पसेस, मतलब खून में ये दोनों चीजें होती है। उसके पहले देखें तो जो ब्लड होता है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है हमारे सेल्स को, ठीक है। वापस आते हैं, हमारे ब्लड में 2 चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55% और जो ब्लड कॉर्पसेस होते हैं वो होते हैं 45%। ये दोनों प्रोसेस आ चुके हैं तो आप इनकी तरफ से जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए, अब जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 2 चीजें होती है, वापस से सवाल बनता है कितनी होती है, 2 होती है। एक होता है वॉटर, वॉटर होता है 92%, 92% इज वॉटर इन प्लाज्मा, ओके। और 8% होता है सॉलिड मैटर, अगर कोई प्रोटीन है या कोई विटामिन है ब्लड में कुछ भी है तो वो 8% कंट्रीब्यूट करता है, पानी करता है 22% कंट्रीब्यूट। अब देखिए, जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं जो कि 45% होते हैं ब्लड के अंदर, इसमें 3 चीजें होती हैं। ये हमारे 3 सवाल बन गए, 15, 16 और 17। क्या 3 चीजें होती हैं? एक होती है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, मतलब जो हमारी लाल कोशिका, वो जो ब्लड के सेल्स होते हैं रेड वाले वो आरबीसी, व्हाइट वाले डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस प्लेटलेट्स की थोड़ी देर में, ठीक है। जो आरबीसी होते हैं ये 99% होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं ये दोनों मिला के 1% बनता है। अब देखिए, आरबीसी को अर्थ्रोसाइट भी बोला जाता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आरबीसी की जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ERYTHROCYTE। और ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, मतलब जो हमारा जो ब्लड में जो हमारी ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है वो सिर्फ आरबीसी के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और ये हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस
या अगर हमारी कोई रोग हो जाता है तो हमारा बचाव यही करती है WBC। और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, THROMBOCYTE, और ये ब्लड में क्लॉटिंग का काम करती है, मतलब थक्का जमाने का काम करती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है तो हमेशा खून में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, क्योंकि वैसे ही ये 1% है और अगर उसमें से भी खून निकल गया तो खून लगातार बहता रहता है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके 20 से ऊपर सवाल हमने देख लिए, अभी हम और इसमें सवाल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमने 20 सवाल देख लिए हैं और वापस से आपके लिए मैं 20 सवाल देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है जब मैंने वीडियो का इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैंने कहा 60+ सवाल है, बट आपको कह देता हूँ 100+ सवाल होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्लड के। देखिए, जो हमने देखा था अभी कि जो सॉलिड मैटर है वो 8% होता है, अब देखते हैं उस सॉलिड मैटर में क्या क्या होता है। उसके अंदर होता है प्रोटीन, 6-7% हमारा इस सॉलिड मैटर के अंदर प्रोटीन होता है। इसके अंदर यूरिया होता है, इसमें कुछ गैसेस होती है, इसमें कुछ होते हैं मिनरल्स। कौन से मिनरल्स होते हैं? सोडियम और पोटेशियम हमारे होते हैं मिनरल्स। इसके अंदर हॉर्मोन्स भी होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ब्लड में हॉर्मोन्स होते हैं, द आंसर इज राइट यस। विटामिन भी होते हैं और इसमें ग्लूकोज भी होता है। ये हमारा 25वें नंबर का सवाल, 26वें नंबर का सवाल आता है हमारे प्रोटीन से कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। उसमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक एल्ब्यूमिन और एक ग्लोबुलिन, ALBUMIN और GLOBULINE। ये हुआ हमारा 26वें नंबर का सवाल। अब ये दोनों किस रेशियो में होते हैं? ये 2:1 के रेशियो में होते हैं। ये हुआ 27वां सवाल। अब देखिए 28वां सवाल, एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन आपके खून के बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, और जो ग्लोबुलिन है ये डिफरेंस के अंदर काम आता है। अब आगे देखिए, जो खून होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और वो जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसका भी ट्रांसफर खून ही करता है, और कहां करता है? किडनी की तरफ लेके जाता है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा है O2 ट्रांसपोर्ट, तो जो हीमोग्लोबिन है हमारा वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब आगे देखिए, अब हम इसमें देखते हैं नंबर, जो कि हमारा है 32वें नंबर का सवाल, कि किसका नंबर सबसे ज्यादा होता है? तो RBC होते हैं सबसे ज्यादा, फिर उससे कम होते हैं प्लेटलेट्स, और सबसे कम होते हैं WBC, मतलब सफेद रक्त कोशिका जो होती है। और जो RBC होती है वो होती है 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है, ये इसकी डेंसिटी निकली है, जो प्लेटलेट्स होती है वो होती है 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, और जो WBC होती है वो होती है 1000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। ये तीनों के नंबर है, तो ये 3 सवाल हो गए। ठीक है, अब अगला सवाल 36वां सवाल, RBC और WBC का क्या रेशो है? RBC और WBC का रेशो है 600:1, एक WBC पे 600 RBC होते हैं। अब देखते हैं 37वें नंबर का सवाल, जो फॉर्मेशन है, जो खून बनता है हमारी बॉडी में, वो हम जब बच्चे होते हैं या जब हमारी माँ के पेट में होते हैं तो किसी और जगह बनता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब किसी और जगह बनता है। जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, मतलब हम भ्रूण होते हैं, तो जो हमारा खून बनता है वो लिवर में बनता है, और जो स्प्लीन होता है, इन दोनों के अंदर हमारा खून बनता है। 39 सवाल, जब आफ्टर बर्थ, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तो खून कहाँ बनता है? तो खून बनता है रेड बोन मैरो, मैरो मतलब मज्जा, तो जो रेड बोन मैरो है उसके अंदर हमारा खून बनता है। एक सवाल और देखते हैं, और जो येलो बोन मैरो होता है इसमें क्या होता है? इसके अंदर फैट का स्टोरेज होता है। फ्रेंड्स हमने ये वीडियो बनाया, इसमें हमने 40 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस विल गो अबाउट 100, इसके बाद डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू इट राइट नाउ, एंड थैंक यू वेरी मच।